मेरे दोस्तों, वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल के एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। साइबेरियन टाइगर, आप इस खतरनाक जानवर के बारे में कितना जानते हो? जंगलों में इस टाइगर की आबादी लगभग 500 के आसपास है। ये इतना खतरनाक और ताकतवर जानवर है कि शेर, पोलर बेयर और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों को हराने की ताकत रखता है। और क्यों ना हो, वैसे भी ये अभी वर्तमान में बिल्ली प्रजाति की सबसे ताकतवर बिल्ली है। लेकिन क्या हो अगर हम इसका मुकाबला आज से लगभग 8000 से 3.7 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले बिल्ली प्रजाति के जानवर सेबर टूथ टाइगर से करवाए, तो कौन जीतेगा इन दोनों जानवरों में से? वीडियो को एंड तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। साइबेरियन टाइगर एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। वैसे तो साइबेरियन टाइगर का एवरेज वजन 250 से 350 किलो तक होता है, लेकिन साइबेरियन टाइगर का अब तक रिकॉर्ड किया गया अधिकतम वजन 424 किलो का था, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर की थी। और हाँ, साइबेरियन टाइगर की एवरेज लंबाई 3 से 4 मीटर की होती है। साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स लगभग 950 PSI का होता है, जो कि किसी भी हड्डी को चूरा बनाने के लिए काफी है। वैसे तो साइबेरियन टाइगर 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे अधिकतम रफ्तार 96 किलोमीटर पर आवर की थी। अब आप ऐसे मत बोलना कि इतनी स्पीड तो चीता की होती है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पता है कि चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है। एशियन चीता लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुँच जाता है, लेकिन साइबेरियन टाइगर 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकते हैं किसी तरह का कोई दबाव दिया जाए तो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि साइबेरियन टाइगर सभी बिल्ली प्रजाति के जानवरों में सबसे ताकतवर, इंटेलिजेंट और बहादुर भी है। विशेषज्ञों के नई रिसर्च के अनुसार टाइगर लायन से भी ज्यादा बहादुर होते हैं। लायन सिर्फ ग्रुप में अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं, अकेले नहीं, लेकिन टाइगर ऐसा अकेला कर सकता है। वर्तमान में साइबेरियन टाइगर का मुकाबला कोई भी जानवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उसका मुकाबला उस जमाने के शिकारी टाइगर सेबर टूथ टाइगर से करवाए तो मुकाबला बहुत ही खतरनाक और रोमांचक होगा। सेबर टूथ टाइगर, जिसका वजन लगभग 250 से 300 किलो तक होता था, अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले जानवर उस जमाने का अमेरिका महाद्वीप का सबसे खतरनाक शिकारी था। जैसा कि इस जानवर को फिल्मों में दिखाया जाता है, ये उतना खतरनाक हो सकता है और उसका आकार भी ऐसा ही होता था। इसके दो लंबे 8 इंच के दांत हुआ करते थे, पर मजे की बात तो ये है कि वो दांत इतने ताकतवर नहीं होते थे। ये दो दांत उसके बाकी के दांतों से कमजोर हुआ करते थे। ये दांत सिर्फ शिकार की गर्दन को दबोचे रखने के काम आते थे। अगर उस जानवर के बाइट फोर्स के बारे में बात करें तो उसका बाइट फोर्स साइबेरियन टाइगर से कम, लगभग 400 से 700 PSI तक होता था, और दौड़ने की रफ्तार लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की होती थी। ये सब वैज्ञानिकों ने अपना काफी समय लगा के रिसर्च करके पता किया है। लेकिन सेबर टूथ टाइगर असल में टाइगर नहीं है। टाइगर के जैसा उसमें कुछ भी नहीं था। इनके शरीर की बनावट और रहन सहन लायन की तरह होती थी। ये ग्रुप में रहते थे और ग्रुप में ही शिकार करते थे। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इनके शरीर का रंग ऐसा नहीं होता था, और ये बात किसी को भी पता नहीं है कि इनका रंग कैसा था। लेकिन एक बिल्ली प्रजाति का होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे बिल्लियों से मिलता जुलता रंग और शरीर पर धारियां दे दी। लेकिन अगर हम एक जंगली ताकतवर साइबेरियन टाइगर को टाइम मशीन के जरिए उस टाइम में ले जाकर सेबर टूथ टाइगर से लड़वाए तो यह लड़ाई बहुत ही खतरनाक होगी, और ये लड़ाई बहुत देर तक चल सकती है, लेकिन अंत में जीत सेबर टूथ टाइगर की ही होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि उस जमाने का ये टाइगर बहुत ही खतरनाक होता था और मेमथ जैसे बड़े हाथी को भी मार गिराता था। अमेरिका महाद्वीप का हर जानवर इसका शिकार था। एक तरह से ये उस जमाने का राक्षसी था। तो अगर अचानक से सेबर टूथ टाइगर जैसा खतरनाक जानवर साइबेरियन टाइगर के सामने आएगा तो साइबेरियन टाइगर थोड़ा घबरा जाएगा और अपनी पहली लड़ाई में उससे हार जाएगा। लेकिन अगर साइबेरियन टाइगर उस जमाने में सेबर टूथ टाइगर के इलाके में रहता तो शायद साइबेरियन टाइगर सेबर टूथ टाइगर को भी मार गिराता, क्योंकि अभी भी साइबेरियन टाइगर सेबर टूथ टाइगर से ज्यादा ताकतवर, इंटेलिजेंट और बहादुर है। ये सोच समझ कर हमला करते हैं और शायद ही ये सेबर टूथ टाइगर को हरा पाते। पर आज के मुकाबले में जीत सेबर टूथ
कचरा टाइगर की होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जल्द ही मिलते हैं एक और नए रोमांचक वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे दूसरे वीडियोस देखो जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे। और कमेंट में हमें बताओ कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे।